ऑर्डर शीट में हुजूर नाम ही नहीं थे। ऑर्डर शीट 14/7/2022 का हुजूर है। लेटेस्ट जजमेंट साहब ने देखा है सुप्रीम कोर्ट का, ये नाम जो है वो नहीं छपना चाहिए उसका। किताब रखा है आपने? नहीं रखा है, दीजिए इनको, बुक दीजिए। दिस वॉज द रॉन्ग कमिटेड बाई द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड टू एक्सपंस। वही गलती आप हमसे भी करवाना चाह रहे हैं। अब अगर हम ये नहीं अपनी ओर से करें, रिसर्च तो यही असिस्टेंस लेवल है, आप तो गलती कराने को तैयार बैठे हैं। क्यों कहते हैं हम हमेशा कि जज इज ऑलवेज एट द रेस। अच्छा तेज वकील रहेगा तो कुछ बोल करके ऑर्डर ले जाएगा, कमजोर वकील रहेगा तो फिर वो अच्छा केस भी खराब हो जाएगा। यस, व्हाट इज द एरर? ऑर्डर शीट में हुजूर नाम ही नहीं थे। ऑर्डर शीट 14/7/2022 का हुजूर है। हाँ, नाम क्या हो गया? हाँ, क्या है नाम में? नहीं लिखा गया है जी, इसलिए कि ही जे जुबेनाइल, ही जे जुबेनाइल। आपने एक्ट में पढ़ा है कभी कि नहीं पढ़ा है? लेटेस्ट जजमेंट साहब ने देखा है सुप्रीम कोर्ट का, ये नाम जो है वो नहीं छपना चाहिए उसका। अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है कि आप लोग भी इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं, इनएडवर्टेंटली कभी कभी हम लोगों के ऑर्डर में भी ऐसा हो जाता है। बट आई एम टेकिंग केयर। अभी लेटेस्ट जजमेंट आपको मैं देता हूं। पढ़िए जरा सेक्शन 74 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। किताब रखा है आपने? नहीं रखा है, दीजिए इनको, बुक दीजिए। पढ़िए जरा जोर से सभी लोगों के लिए। 74 पढ़िए एक बार। Provision of disclosure of identity of children. No report in any newspaper, magazine, news sheet or audio visual media or other forms of the communication regarding any inquiry or investigation or judicial procedure shall disclose the name, address or school or any other particular which may lead to the identification of a child in conflict with law and or a child in need to care and protection or a child victim or witness of a crime involved in such matter under ये पढ़िए, this is the latest judgment of the honorable supreme court case paragraph 37 ये भी दीजिए। This was the wrong committed by the High Court and the Supreme Court directed to expunge. वही गलती आप हमसे भी करवाना चाह रहे हैं। सॉरी भाई, पढ़िए वो भी पैराग्राफ 37। In passing, we may note that in the impugned judgment, the name of the child in conflict with law has been disclosed. This is not in accordance with the provision of section 34. Of that, 34 पढ़ रहे हैं आप, 74 को 34 का पढ़ते हैं? 74 of the 2015 Act and various judgment of the courts, we direct the High Court to correct the judgment and remove the name of the inflict law. No order need be passed. In view of the judgment of the Honorable Supreme Court in the case of Swainso versus Swainso reported in Swainso, the name of the juvenile is not required to be, it should not be incorporated. Item number 2. अब अगर हम ये नहीं अपनी ओर से करें, रिसर्च तो यही असिस्टेंस लेवल है, आप तो गलती कराने को तैयार बैठे हैं। इनवेरिएबली देख रहे हैं हर केस में, आई हैव नॉट सीन अ सिंगल केस
जिसमें आप लोग इसको फॉलो करते हैं। अभी तक तो सही में हुई नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था तो विक्टिम को ये कहते कि विक्टिम का नेम हैज नॉट बीन डिस्क्लोज्ड। यही तो असिस्टेंस चाहिए ना, क्यों कहते हैं हम हमेशा कि जज इज ऑलवेज एट द रिस्क। अच्छा तेज वकील रहेगा तो कुछ बोल करके ऑर्डर ले जाएगा, कमजोर वकील रहेगा तो फिर वो अच्छा केस भी खराब हो जाएगा। दिस इज वेल सेड, जज इज ऑलवेज एट द रिस्क। दोनों हालत में, अच्छा वकील और जरा गड़बड़ वकील रहा तो दोनों, वीक वकील रहा तो दोनों हालत।